के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बच्चों के लिए खास तरह का एक कोरोना वार्ड तैयार किया गया। अस्पताल में आइसोलेट रहने वाले आइसोलेशन के दौरान उन्हें मानसिक तौर पर किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए वहां कई तरह के बंदोबस्त किए गए ताकि वार्ड के अंदर ही बच्चों का मनोरंजन हो सके। कोरोना की चपेट में आए बच्चों के नए वार्ड में एक टीवी लगा दिखा, जिस पर कुछ बच्चे कार्टून देखते नजर आए, कुछ बच्चे गुब्बारों से खेलते मिले तो कुछ इधर उधर दौड़ते भागते खुद में व्यस्त दिखाई दिए। जो बच्चे वहां रहकर पढ़ना चाहें उनके लिए वार्ड की किसी दीवार पर अक्षर बनाए गए तो किसी पर फलों और सब्जियों की तस्वीरें बनी दिखी। बच्चे पढ़ाई भी कर सकें, बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो सके, बच्चे आपस में खेल सकें, ये तमाम तैयारियों के साथ इस वार्ड को तैयार किया गया है। पहली बार किसी अस्पताल में ऐसा वार्ड बना। वार्ड में बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था करने के बाद उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों ने भी माना कि ऐसा करने से उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिला। ऐसे माहौल होता था कि जैसे पूरा ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर हो रखा था। अब यह है कि जब आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। कोरोना को हराकर घर लौटने वाले बच्चों के खेलकूद के लिए भी अस्पताल में इंतजाम किए गए। वहां उनके लिए कुछ झूले लगाने के साथ रंग बिरंगे गुब्बारों से सजावट की गई। सौभाग्य की बात है कि कोरोना की चपेट में आए बच्चों का अस्पताल में इलाज के दौरान मन बहला रहे, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई ताकि उनके दिमाग पर किसी तरह का कोई गलत असर न पड़े।